ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कल के 25 अक्टूबर के ईश्वरवरदान की, और उसके बाद में आप सुन पाएंगे 26 अक्टूबर के ईश्वरवरदान को। तो परमात्मा पिता ने कल हमें बताया क्या कि हम कैसे मास्टर बने और कैसे बच्चा बन जाए, किस समय हमें मास्टर बनना है और किस समय हमें बच्चा बनना है, ये ज्ञान लेते हुए बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान एक तरीके से आप देखें आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है। ये ज्ञान एक तरीके से देखें आपकी फीलिंग्स को अपग्रेड करने का तरीका है, आपको सुखद बनाने का तरीका है। और अगर वायरस घुस जाए इन फीलिंग सेंटर्स में, गलत वायरस, तो आपके ही सुख को दुख में परिवर्तन करता है, शांति को शांति में परिवर्तन कर देता है, खुशी को आपको असंतुष्टता में परिवर्तन कर देता है। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं, सर्व खजानों को बांटने और बढ़ाने, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालक भवा। हम बालक हो गए कि हमें रिसीव कर रहे हैं परमात्मा से ज्ञान, और मालिक कब बन गए? जब हम इनको इस्तेमाल करें, यूज करें। जो हमें ट्रेजर्स मिल रहे हैं, जो हमें यहाँ से खजाने मिल रहे हैं, वो आपको किसी ने दिया, लेकिन आप उसको कैसे यूज करते हैं? मालिक बन करके यूज करते हैं कि आप उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है। तो परमात्मा कहते हैं, बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। तो ज्ञान परमात्मा से हर किसी के लिए एक बराबर मिलता है, ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम। हम हर दिन एक ही स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, और उस स्पिरिचुअल स्टडी में हमेशा हमेशा हमें एक ही प्रकार का ज्ञान मिल रहा होता है। अब लेने की पावर अपने अपने ऊपर है। स्कूल में भी तो ऐसे होता है ना, स्टूडेंट्स को हर चीज़, हर टीचर एक ही चीज़ पढ़ाती है, लेकिन समझ अपने अपने हिसाब से, बुद्धि खुलनी अपने अपने हिसाब से है। तो परमात्मा कहते हैं, बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक, बालक मतलब बच्चा, सो मालिक बना दिया है। हम भी इस नॉलेज के क्या बन गए? मालिक बन गए। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजानों को संभालना और बढ़ाना नहीं आता है। आपको कोई धन दे और आप उस धन को इन्वेस्ट ना करें और उस धन की वैल्यू घटती जाए, और आप अगर कहीं कर दें इन्वेस्टमेंट और वो गलत जगह कर दें तो वहां से भी घट जाता है। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं, यहाँ पर भी अगर आपको परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान को आप औरों को ना बांटें, वहां पर तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ पे आप औरों को समझाते हैं, ज्ञान बताते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ताकि उनके फीलिंग सेंटर्स जो हैं, उनके जितने भी फीलिंग सेंटर्स हैं, नीचे से देखा जाए तो आपका शक्ति का फीलिंग सेंटर, प्योरिटी का फीलिंग सेंटर, उसके ऊपर आए जो खुशी का, संतुष्टता का, फिर प्रेम का, फिर यहाँ पे शांति का, फिर यहाँ पे विजडम का, फिर यहाँ पे आनंद का या ब्लिस का। ये फीलिंग सेंटर्स अगर आप किसी के हेल्प करते हैं कि उनके सामान्य एक स्थिर पर हो जाए, स्थिरता में आ जाए, तो आप खजाने बांट रहे हैं, तो वो खजाने बढ़ेंगे। और उनको संभालना कैसे है? उनको हर दिन चेक करना है अपने लिए भी कि भाई मेरे फीलिंग सेंटर्स तो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं मेरे अंदर क्रोध तो नहीं आ रहा है शांति की जगह, कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा है संतुष्टता की जगह। तो वो चेक करने का तरीका है कि हम मेडिटेशन करें। परमात्मा कहते हैं, बढ़ाने का तरीका है बांटना। धन बांटते हैं तो कम होता है, यहां पर इस ज्ञान धन को बांटने से बढ़ता है। और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना कि मेरे पास जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं, कौन सा फीलिंग सेंटर मेरा ऊपर नीचे हुआ है, उसको वहां पे डाल दो। जैसे कि आप एक पेन ड्राइव लेकर के आप एक लैपटॉप के अंदर डालते हैं, और फिर जो आपको ड्राइवर चाहिए होता है, जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कोई अगर प्रॉब्लम होती है उसको अपडेट कर देते हैं, या आप इंटरनेट से उसको अपडेट करते हैं। तो परमात्मा हो गया वो इंटरनेट जिसपे आपको कोई फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से अपने अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको ऊपर नीचे फील करा रहे हैं, उनको, वायरसेस को आप निकाल सकते हैं अपने फीलिंग सेंटर से। इसलिए परमात्मा की इतनी पूजा होती है, इसलिए परमात्मा को इतना याद करते हैं। वही सुख दाता है, ज्ञान दाता है, पवित्रता दाता है, और पतित पावन है। मतलब कि हमारे अंदर जो वायरस आ गए वो है पतित, और उसको पावन कर देना, उसको क्लीन कर देना। फिर परमात्मा कहते हैं, बढ़ाने का तरीका है बांटना, और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग। अटेंशन किस पर? मेरे फीलिंग सेंटर्स ठीक है, और चेकिंग कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही, कौन सा वायरस घुस गया मेरे मन के अंदर। ये दोनों पहरे वाले ठीक हों
तो खजाना सदा सेफ रहता है। और ये पहरे कब देने होते हैं? हर सेकंड। आप इस समय कुछ काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया आपको, आप अगर चिढ़ गए, इसका मतलब उसने आपके फीलिंग सेंटर के अंदर वायरस घुसा दिया। और आपके फीलिंग सेंटर, हृदय चक्र, शांति का चक्र, इसको उसने हिला दिया, या आपका संतुष्टता का चक्र को हिला दिया उसने, तो वायरस इनपुट हो गया। और अब वायरस क्यों अंदर आ गया? क्योंकि आपके पास में अटेंशन और चेकिंग नहीं थी। वो होती है कब? जब हम मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर ये ताकत बढ़ती जाती है कि हम पहचान लेते हैं दूर से कि नहीं, ये वायरस आ रहा है, इसको मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है सैटरडे के सेशंस में। आपको सिखाया जाता है 5 बजे से 6:30 बजे तक। आप सैटरडे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर ब्रह्म कुमारी सेंटर के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पर तो आपको सारे खजाने मिल ही जाएंगे, सारे ट्रेजर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जा करके आप सीख सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।